आपको जो यह भीड़ दिखाई दे रही है, यह कोई राजनीतिक पार्टी या किसी सामूहिक विवाह का संकेत नहीं है। यह धरना है दिल्ली के रामलीला मैदान स्थित हिंदुस्तान के कोने कोने से आए उन कर्मचारियों का, जिनको अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चिंता सता रही है। मामला कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए धरना दिया। इनका कहना है कि नई पेंशन व्यवस्था पूरी तरह शेयर मार्केट पर निर्धारित है। अगर शेयर बढ़ता है तब पेंशन बढ़ेगी, नहीं तो पेंशन कम रहेगी। कुल मिलाकर सब कुछ शेयर मार्केट पर निर्भर रहेगा। नई पेंशन योजना में ना ही GPF की सुविधा है और ना ही वेतनमान में कोई बढ़ोतरी, ना ही DA में कोई वृद्धि होती है, जबकि पुरानी पेंशन व्यवस्था में यह सभी सुविधाएं थीं। जब NPS के अंतर्गत कोई कर्मचारी रिटायर होता है तब उसकी जमा राशि पर स्लैब के हिसाब से टैक्स भी देना पड़ता है, जबकि पुरानी पेंशन योजना में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। बहरहाल सवाल उठता है कि क्या सरकार इन कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना बहाल करती है, या इस हड़ताल का नतीजा 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। साथियों, जिस दर्द को लेकर आज आप दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आए हैं, वास्तव में इस दुख और दर्द से बड़ा कुछ नहीं है उस कर्मचारी के लिए जो 60 साल तक की आयु तक सरकार को निस्वार्थ अपनी सेवाएं देता है और बदले में 1 जनवरी 2004 से तत्कालीन सरकार ने जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर मुंह पे तमाचा मारा है, उनकी पेंशन बहाली को हमें मुद्दा बनाकर 2019 में सरकार से इस मांग को पूरा करवाना है। साथियों, ऐसा कोई कारण नहीं है कि सरकार पेंशन बहाल ना करे। केवल अंतर है तो सोच का अंतर है और साथ ही सरकार की नीयत का अंतर है। मैं जोर से कहूंगा, शेम 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 शेम। साथियों, आज चार के बाद से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बंद कर दी थी, बाद में स्टेटों ने अलग अलग बंद कर दिया है। आज यहाँ सेंट्रल के भी हैं और स्टेट के भी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान से आज यहाँ लोग आए हैं और हमारा पहला प्रयास दिल्ली का है। उसके बाद भी आप सब देख रहे हो जनसैलाब कैसे उमड़ा है। हमारी एक बात मांगे कि हम सरकार का काम करते हैं, देश का काम करते हैं, हम बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे। आप प्राइवेट कंपनियों को भेजते हैं कि आप उनके भरोसे जाइए। मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, हमारे आपके यहाँ संस्कार रहा है कि हम बाबा बच्चों को पालते हैं, बाद में बच्चा हमको पालता है और हम आपके काम करें, उसके बाद आपका जो प्राइवेट कंपनियों के पास जाए, कहाँ का न्याय है। तो मैं खुशी पुरानी पेंशन हमारी एक मांग मांगते हैं। तो कितने पूरे देश से ये कितने कहाँ कहाँ से लोग आए हैं सर? तेलंगाना से लेकर, हरियाणा से लेकर के, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और आपका कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, कश्मीर के लोग भी आज पहली बार आए हैं और तीन क्षेत्रों से लोग आए हैं। सरकार आपकी ये मांग नहीं मानती तो फिर क्या होगा? आज का आंदोलन खड़ा करेंगे या अब क्या करेंगे सर? आज तो हम इस उम्मीद में है कि सरकार हमारी बात को संज्ञान लेगी और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हम कोई विरोध में नहीं है किसी न दल के न किसी सत्ता के। हमारा हक छीना गया है, हम आपको बताने आए हैं कि देश का नौजवान अपने एक मुद्दे पे एक हो गया है। अगर सरकार हमारी बात को समीजा से सुनती है, मानती है तो उसका हम गौरव करते हैं। अगर नहीं मानती है, ये बात को मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को कि आने वाले 19 का जो चुनाव होगा, निश्चित रूप से नौजवान यहाँ अंगड़ाई देख रहा, चारों तरफ आप देख रहे होंगे नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, वो कहीं ना कहीं नुकसान देगा। मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, मेरा मकसद है और हमारी पूरी नेशनल टीम आज बैठी है, पंजाब से सुखजीत जी, तमाम सारे लोग हैं, इसकी प्रजन्ना जी बैठी हुई है हैदराबाद से, और आज हम निर्णय लेंगे। अगर सरकार नहीं चलती तो आने वाले तो इससे बड़ा आंदोलन पूरे भारत के अंदर चलाया जाएगा। ये हमारा आज का यहाँ का फैसला है। मतलब इसका खामियाजा 2019 के चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है सर? उनके ऊपर है, उन्हें भुगते, अच्छी बात है, हमारी बात करते हैं, हम उनका स्वागत करेंगे। थैंक यू, थैंक यू।